नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के स्टेडियम में खेला जा रहा है और यहां पे टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 387 रन बनाकर वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 388 रनों का टारगेट किया। और यहाँ भारत के लिए हिटमैन रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रनों की पारी और उसके साथ केएल राहुल ने 102 रन बनाए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली है। जी दोस्तों, भारत की शुरुआत बहुत ही शानदार है। अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह मैच कौन जीत सकता है। और रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 28 का शतक जड़ दिया और रोहित ने अपना शतक 107 गेंदों में पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 11 चौके भी लगाए। रोहित के इस साल 1300 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।